नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेजस्वी की कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तीसरे चरण का लिस्ट जारी। तेजस्वी की यात्रा पर जेडीयू का हमला, झारखंड में कड़े राजनीति। बिहार में 2181 करोड़ का निवेश होगा, चिराग पासवान की पहल। जमीन सर्वे को लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा ऐलान। NCL EWS को लेकर सड़क पर उतरे हजारों अभ्यर्थी, कई शिक्षक भी। CHO बहाली परीक्षा रद्द, 37 संदिग्धों से EOU ने की पूछताछ। पप्पू यादव को धमकी देने वाला भोजपुर से गिरफ्तार। बेतिया में CM नीतीश की संभावित यात्रा को लेकर एक्शन में DM। पटना में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट, 3 महिलाएं झुलसी। बिहार में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 12 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 4 दिसंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर जाने वाले हैं। दरअसल तेजस्वी यादव पहले से ही बिहार यात्रा पर हैं, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की यात्रा स्थगित हो गई थी। वहीं अब एक बार फिर से तेजस्वी की यात्रा शुरू होने जा रही है। तेजस्वी 3 दिसंबर से पटना से मुंगेर के लिए रवाना होंगे, वहीं 4 दिसंबर को मुंगेर में उनकी यात्रा शुरू होगी। राजद की ओर से तेजस्वी की यात्रा को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 3 दिसंबर को मंगलवार के दिन तेजस्वी 10 सर्कुलर रोड से मुंगेर के लिए रवाना होंगे। 4 दिसंबर को तेजस्वी मुंगेर में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। 5 दिसंबर को तेजस्वी खगड़िया और 6 दिसंबर को बेगूसराय में, और वहीं 7 दिसंबर को लखीसराय और शेखपुरा में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 4 दिसंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर जाने वाले हैं। राजद ने आज तेजस्वी के कार्यक्रम का शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष तेजस्वी की यात्रा पर हमला बोली है। इसी कड़ी में जेडीयू MLC नीरज कुमार ने भी तेजस्वी यादव की यात्रा पर प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू MLC नीरज कुमार ने कहा कि यात्रा के मामले में तेजस्वी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। तेजस्वी यादव लगातार यात्रा नहीं करते हैं, बीच में स्थगित कर देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के राजद ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा, लेकिन पार्टी 4 सीट पर लॉक हो गई। जेडीयू MLC ने उपचुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि उपचुनाव में 4 सीट पर मतदान हुआ, राजद चारों सीट पर चारों खाने चित हो गए। नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव की यात्रा से पार्टी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव को कार्यकर्ता संवाद यात्रा की जगह उम्मीदवार खोजू यात्रा पर निकलना चाहिए। पटना के ताज होटल में आज फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया। इसमें ग्रुप एंड ग्रेस, SLMG, वेबरेज, कोका कोला जैसी कंपनियां यहां न्यू यूनिट लगाने को तैयार हुई। 14 कंपनियों ने बिहार सरकार के साथ करार किया। फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर कनेक्ट 2024 का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किया। इस मौके पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नितेश मिश्रा, मुख्य सचिव अमृतलाल मीना, उद्योग सचिव संजय अग्रवाल मौजूद रहे। बिहार में 2181 करोड़ के निवेश का करार हुआ है। फूड प्रोसेसिंग में यह निवेश होगा। यह बिहार और निवेशकों के बीच LOIS का हस्ताक्षर किया गया है। निवेशकों की ओर से कहा गया है कि 2181 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में बिहार में 4175 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। बिहार में जमीन को लेकर नीतीश सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। वहीं बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नए कानून बनाकर बेतिया राज की 15,000 एकड़ जमीन को सरकार ने चिन्हित किया। इसके बाद अब बिहार सरकार की नजर जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर है। बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जमीन विवाद का सबसे ज्यादा मामला जमीन माफिया और सरकारी जमीन पर कब्जे का है। मैंने आदेश दे दिया है कि 3 महीने के भीतर उनका दाखिल खारिज कराया जाए, जिससे सरकारी जमीन का जिस तरह से लूट होता है उस पर रोक लगाया जाए। जमीन सर्वे को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि भूमि राजस्व मंत्री बनने के बाद हमने दो तरह की चुनौती थी। एक तो बिहार के अंदर भूमि सर्वे कराना, सर्वे का मतलब है कि आज से 130 साल पहले हुआ था। CSBC के खिलाफ पटना के गर्दनी बाग में हजारों अभ्यर्थियों सड़क पर उतर गए। बिहार के लगभग हर जिले से यहां अभ्यर्थी पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों के साथ उनके फिजिकल ट्रेनर भी आए हैं। पिछले 25 नवंबर से ही अभ्यर्थी NCL EWS नए सिरे से लागू करने को मांग कर रहे हैं। अनिश्चितकाल के धरने पर हैं। आज CSBC और सरकार के खिलाफ अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं छात्रों का कहना है कि वैकेंसी के वक्त NCL और EWS के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया था।
यह नहीं बताया गया था कि पहले से NCL और EWS के आधार पर अभ्यर्थी इस वैकेंसी में शामिल होंगे। अब कहा जा रहा है कि जिनका पहले से NCL और EWS होगा उन्हीं को शामिल किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी इस वैकेंसी से वंचित हो जाएंगे। इससे अभ्यर्थियों को काफी नुकसान होगा। जो लोग कई वर्षों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं वो भी वंचित हो जाएंगे। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी CHO की परीक्षा रद्द कर दी है। रविवार को ली गई परीक्षा और आज सोमवार को होने वाली परीक्षा दोनों को रद्द कर दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से परीक्षा की अगली तारीख जारी की जाएगी। जानकारी के अनुसार कल हुई परीक्षा के दौरान ऑनलाइन सेंटर पर गड़बड़ी पाई गई थी, इसको लेकर परीक्षा रद्द कर दी गई। जांच एजेंसी के DIG मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि जब छापेमारी की गई तो वहां से परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर और रिमोट व्यू एप्लीकेशन ऐप सॉफ्टवेयर के जरिए अवैध तरीके से कंप्यूटर को सॉल्वर गैंग के द्वारा अनऑथराइज एक्सेस लेकर रियल टाइम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड पेपर को सॉल्व करने के सबूत मिले हैं। इस मामले में IT मैनेजर एग्जाम के कोऑर्डिनेटर की भूमिका सामने आई है। पूरे बिहार में CHO के 4,500 पदों पर बहाली होनी थी। कल पटना पुलिस ने सभी 12 ऑनलाइन सेंटर पर छापेमारी की थी। इधर आर्थिक अपराध इकाई में 37 संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 24 घंटे में जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने आरा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शाहपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव का रहने वाला रामबाबू यादव है। पुलिस आरोपी रामबाबू को अपने साथ ले गई है। आरोपी ने धमकी देते हुए खुद को लॉरेंस बिश्नोई की बिहार टीम का मेंबर बताया था। पप्पू यादव से लॉरेंस से माफी मांगने की बात कही थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि उसने पप्पू यादव को धमकी क्यों दी इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बीते 2 महीनों से लगातार पप्पू यादव को धमकियां मिल रही हैं। बीते शुक्रवार को भी पप्पू यादव को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 24 घंटे के भीतर उनकी हत्या किए जाने की धमकी दी गई थी। सांसद के प्रवक्ता राजेश यादव ने बताया कि धमकी पाकिस्तान के नंबर से रात में दी गई, जिसमें लिखा गया था कि आखिरी 24 घंटे में तेरी हत्या करा देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से संभावित यात्रा को लेकर पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में स्थल निरीक्षण करने जिला पदाधिकारी वाल्मीकि नगर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री गांव में जाएंगे, जहां सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे। CM की यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की टीम तैयारी में जुट गई है। प्रशासन की टीम गांव का चयन करने के साथ ही गांव में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ले रही है। मुख्यमंत्री अपने यात्रा के दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही जिले में चल रही योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी होगा, जिसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। पटना के परसा बाजार स्थित बागपुर गांव में आज अचानक बिजली का ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया। इसकी चपेट में आने से 3 महिलाएं यशोदा देवी, सरिता देवी और अमृता देवी झुलस गईं। घटना की सूचना मिलते ही परसा बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए PMCH में रेफर कर दिया। घटना की पुष्टि करते हुए परसा बाजार थाना प्रभारी मेनका रानी ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर के ब्लास्ट होने से 3 महिलाएं घायल हुई हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि परसा बाजार थाना क्षेत्र के बागपुर गांव में आज 3 महिलाएं ट्रांसफार्मर के नीचे धूप सेक रही थी। इस दौरान अचानक बिजली का ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर गया। 3 महिलाएं इसकी चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गई। बिहार में तापमान में गिरावट होने लगी है, जिससे रात में सर्दी बढ़ गई है। सुबह शाम ठंडी हवाएं चलने से ठंड का एहसास होने लगा है। इसके साथ ही लगातार पारा में उतराव चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिन में धूप खिलने से गर्मी का एहसास हो रहा है और सर्दी का एहसास भी हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस बार सर्दी कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दिसंबर के तीसरे सप्ताह से जनवरी तक बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। बता दें कि पटना सहित बिहार के 16 शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन दिन का तापमान सामान्य है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के 12 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।